अभी शिमला के पुराने बस स्टैंड के आसपास है और आप देखेंगे कितनी मुस्तैदी से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले अपना रोल निभा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो और आवागमन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये डिवाइडर लाइन, जी हाँ, वाइट लाइन, इसका बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि कोई भी ड्राइवर जो है वो अपनी लाइन को क्रॉस ना करे। एक ड्राइवर पीछे खड़े हैं कुछ और कुछ आगे की तरफ, जी हाँ, और कुछ साथी ड्राइवर साथी भी यहाँ सहयोग कर रहे हैं। और ये देखना कितनी मुस्तैदी से पुलिस, हिमाचल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों के दो लगे हुए हैं ताकि आम आदमी को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। और इतनी गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं जा रही हैं कि तभी संभव है जब हमारे ये साथी पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और साथ में आप बस स्टैंड के पास का ये दृश्य, इसका भी आप आनंद ले सकते हैं। नीचे पैदल के लिए रास्ता बनाया हुआ है, पास में दिख रहा है ये इंटरनेशनल हेरिटेज हमारा रेलवे स्टेशन, और ये बस स्टैंड के आसपास और रेलवे स्टेशन के आसपास का नज़ारा। इनमें लगभग 1 किलोमीटर का गैप है जो आप पैदल से भी आसानी से कवर कर सकते हैं। ऊपर जो आप इन पेड़ की शाखाओं के बीच से देख पा रहे हैं वो झाकू टेंपल है, जहाँ पर आज मंगलवार का दिन है, आज के दिन भंडारा भी होगा और बहुत तादाद में लोग भी पहुँचते हैं वहाँ पर। तो आइए आप लोग भी और शिमला की वादियों का आनंद लीजिए। धन्यवाद।